एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, और पेपर वन एंड पेपर टू दोनों की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। पेपर वन में यूनिट नंबर 7 आती है डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां से बहुत सारे नए क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिले इस बार। तो अब जून 2024 के लिए जब हमें प्रिपेयर करना है, तो हमें ध्यान रखनी होंगी कुछ चीजें और कुछ टाइप ऑफ डीआई को स्पेसिफिकली कवर करना होगा, जिससे हम एक अच्छे से तैयारी अपनी कर सके और एक ग्रिप बना सके कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे उसको अप्रोच करना है। तो आज के सेशन में वही सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, डीआई को सॉल्व करते हुए चलेंगे एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि किस तरीके की डीआई जो है आपसे पूछी जाती है। बट उन सभी से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। तो अगर आपका भी पेपर टू कॉमर्स है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेरफड्डा ये चैनल है, जहां पे आपको सारी क्लासेस हैं जो मिल जाती हैं कॉमर्स की, एंड पेपर वन आपको 9:15 बजे करवाया जाता है मेरे द्वारा। मैथ्स डीआई में आपको करवाती हूँ, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको जो पीडीएफ्स मिलती हैं क्लासेस की, वो जेरफड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, क्विजेस आपको मिल जाती हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट है जो मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप रिवीजन बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इग्निशन बैच आपके लिए स्टार्टेड है, आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट बैच है जो आपको मिल जाएगा, जो मात्र 4,000 रुपए फीस के साथ आपको मिलने वाला है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैंने कवर करवा दिया है कॉमर्स में, एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट और बिजनेस स्टेटिस्टिक्स यूनिट्स हैं जो हमारी अभी चल रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो, तो आप इग्निशन बैच के साथ साथ अगर आप दिसंबर को टारगेट करना चाह रहे हो, तो आप डिटेल में कोर्स स्टडी करना चाहते हो, तो एटम 2.0 में एनरोलमेंट ले सकते हो, जहां पे आपको कंप्लीट पेपर वन पेपर टू मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, हैंडबुक मिलेगी और क्रैश कोर्स मिलेगा। तो ये सारी चीजें, ये सभी बेनिफिट्स के साथ आपको मिलने वाला है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेरा जो कंप्लीट टाइम टेबल है वो ये है, अभी फिलहाल 10:30 बजे पेपर टू की क्लास होती है कॉमर्स की, 1 बजे पेपर टू की एटम 2.0 में चल रही है क्लास, एंड इग्निशन बैच की जो हमारी 2 क्लासेस हैं वो हमारी चल रही है 3 बजे और 7 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब क्लासेस है पेपर वन एंड पेपर टू की, इस टाइम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे हमारा जो सेशन है, डीआई को सॉल्व करेंगे। ध्यान से पेपर पेन लेके बैठिएगा और हर एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डीआई और बहुत ईजी तरीके से आपको मैं करवाने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल लगेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको दिया क्या गया है थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। 6 लोग हैं, ठीक है, 6 फ्रेंड्स हैं, वो कुछ सैलरी अर्न कर रहे हैं, कुछ इंसेंटिव्स भी उनको मिलते हैं, प्रोत्साहन जिसको बोलते हैं, कि सैलरी के साथ साथ कभी कभी बोनस वगैरह मिल जाता है ना, तो वो भी दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इतनी इतनी इनकम वो कमा रहे हैं, ठीक है, और इनकम का 15% उनको इंसेंटिव मिलता है, जिसको हम प्रोत्साहन बोलते हैं, ठीक है, ये चीज यहाँ पे दी हुई है। इनकम कैसे बनेगी, सैलरी प्लस इंसेंटिव से, और इंसेंटिव सैलरी का 15% है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि अब खर्चा भी आप कर रहे हो, खर्चा कितना करते हो, जितना भी कमा रहे हो ना सारा खर्चा कर रहे हो, ठीक है, बट 40% बचा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे जितना कमा रहे हो उतना इन 4 जगहों पे खर्च कर रहे हो, सेविंग्स भी है, वो कितनी है, 40%। ये चीजें आपको दी हुई है, और इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है आपके पास, सिर्फ ये 4 तरह से ही आप पैसा खर्च करते हो, शॉपिंग पे, अकोमोडेशन खाने वाने पे, और घूमने फिरने पे। अकोमोडेशन क्या होता है कि कोई भी चीज जैसे कि किराया वगैरह है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको देनी होती है, कोई और खर्चे जो है आपके, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। तो ये कंप्लीट टेबल आपको दिया गया, इसको कंप्लीट करना है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे इनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। बना लीजिए एक बार सभी टेबल, फिर अगर बन जाए तो थम्स अप दे देना, आगे चलेंगे। और जो चीज समझने वाली है वो यहाँ पे, ये 4 नोट आपको दिए गए हैं। बना लिया टेबल, तो अब यहाँ पे ना हमें क्या करना है, सबसे पहले एक चीज आप देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे चीजों को कंप्लीट करना है तो आप कर लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे ये पता है जितनी मेरी सैलरी है ना उसका 15% इंसेंटिव है, तो अगर 92,000 मैं पैसे कमा रही हूँ तो इसका 15% मैं
इंसेंटिव कमाऊंगी, प्रोत्साहन मिलेगा मेरे को। 15% क्या होता है? 10% प्लस 5%, तो 10% और 5% को ऐड करो, 13,800 इंसेंटिव यहां पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है? इंसेंटिव आपको दिया हुआ है, जो बी है पर्सन उसका इंसेंटिव है आपके पास, आपको निकालनी है सैलरी कितनी है। अब इंसेंटिव सैलरी का 15% था, है ना, तो क्या करेंगे? 14400, ये 15% की वैल्यू है, मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू। 15 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब सॉल्व कैसे करें मैम? तो इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। तो 15 जो है 3 के टेबल पे जाता है सबसे पहले, ठीक है, और फिर 144 है वो भी 3 के टेबल पे जाता है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे इसको, ये 5 पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा? 3 4 जा 12, 24 है तो 3 8 जा, हाँ 3 8 जा 24, ठीक है, और 2 0 आ जाएगा 4800। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने पे जाएगा? 20 पे, तो 4800 को 20 से क्या करना है मेरे को? मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या करूंगी, 3 जीरोस हैं, इनको एज इट इज लिख दो, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 96, तो 96,000 यहाँ पे सैलरी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद 12600 है, ये क्या है? इंसेंटिव, ये भी 15% की वैल्यू है, तो 12600 को 15 से डिवाइड करते हुए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये भी 4200 और ये 5 पे जा रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 जा 40, 5 4 जा 20 एंड 0, तो 84,000 यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगी? सैलरी आ जाएगी। अब देख रहे हो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, मींस की टिपिकल नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो कैलकुलेशन करनी है एस डी आई में। अब 88,000 है, इसका 15% निकालना है, तो 8800 प्लस 4400, इसको सॉल्व करेंगे तो 13200, क्लियर। अब 80,000 है, इसका 15%, 8 और 4 12,000 आ जाएगा, क्योंकि 10% 8,000 होता है, 5% 4,000 होता है। अब आगे इसके बाद 11400 है, ये 15% है, मेरे को निकालनी है 100% की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे दोबारा वही 3 के टेबल पे, इसको 5 पे कैंसिल करेंगे, इसको कितने पे कैंसिल करेंगे? 3 के टेबल पे ये जाएगा, 3 3 जा 9, 24 है 8 जा, फिर 2 जीरोस हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे 5 के टेबल पे, तो 5 7 जा 35, 30 है तो 5 6 जा 30 0, तो 76,000 यहाँ पे मेरे पास सैलरी निकल के आ गई। तो ये सारे तरीके से मैं सैलरी और इंसेंटिव निकाल सकती हूँ। कि मैम अब ये क्यों निकाल रही हूँ? इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे परसेंटेज में खर्चे दिए हुए हैं, और ये भी बोला हुआ था कि 40% आप हर महीने बचा लेते हो, ठीक है, जितना कमाते हो ना उसका 40% सेव भी करते हो। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, 96,000 यहाँ पे आई है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू निकल के आई थी 12,000, यहाँ पे 76,000 वैल्यू आई थी, फिर इसके बाद यहाँ पे 84,000, 13,200, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आई थी 13,800। तो ये टोटल हम निकाल चुके हैं। अब ये मेरे लिए क्या है? पूरी जो मेरी मंथली इनकम है ना, ये इन दोनों से मिलके बन रही है। तो अब मंथली इनकम का मैं 40% सेव करती हूँ, मंथली इनकम का ही इतना इतना प्रोपोर्शन में खर्च करती हूँ। तो अब मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा उसके अकॉर्डिंग अब मैं सॉल्व करूंगी। इससे ज्यादा कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं, अभी पहले क्वेश्चन रीड करेंगे देन हम कैलकुलेशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कि आप ये बताओ कि टोटल अमाउंट है ना, जो पैसा खर्चा किया गया है सभी के सभी 6 फ्रेंड्स के द्वारा ट्रेवलिंग पे, तो ट्रेवलिंग का खर्चा मेरे को निकालना है। तो यहाँ पे देखो ट्रेवल करना है यहाँ पे इन्होंने, तो अब ये चीज देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। अकोमोडेशन पे 10% खर्चा कर रहा है, शॉपिंग पे 15%, ठीक है, 40% सेव कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है 40% सेव कर रहा है, और खाने पे खर्चा हो रहा है इसका 10,960 का, तो बचा हुआ ट्रेवल पे हो जाएगा। अब अगर हर चीज परसेंटेज में दी होती तो मैं परसेंटेज को ऐड करके माइनस करके निकाल लेती, बट कुछ वैल्यूज नंबर्स में दी हैं, कुछ परसेंटेज में, यही इस डीआई की खास बात है जो इस डीआई को थोड़ा लेंदी बना रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, जो परसेंटेज में दिए हुए हैं ना उनको तो लेके चलो, 10 और 15 25 25 और 40 65 बन गए, ठीक है, 65%। अब मुझे ये पता है कि 65% तो फूड अकोमोडेशन शॉपिंग का, अकोमोडेशन शॉपिंग और सेविंग का है, ठीक है, बाकी बचा हुआ ये दो चीजें हैं, क्लियर। अब मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा इजी कैसे बनाऊंगी, पहले तो मंथली इनकम देख लो, टोटल मंथली इनकम है कितनी, 92,000 और 13,800 इनको ऐड कर लो, तो यहाँ पे 90 और एक
1 लाख हो गया 1,05,800, ये वैल्यू निकल के आ रही है ए की मंथली इनकम की। इसमें से 65% तो सेविंग अकोमोडेशन शॉपिंग पे गया, बचा कितना, बचा हमारे पास कितनी अमाउंट है, यहाँ पे मेरे पास अमाउंट बची है 35%, ठीक है 100 में से 65 को माइनस करेंगे तो 35% यहाँ पे मेरे पास वैल्यू इसकी बच गई। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसका 35% निकाल के जितना फूड पे खर्चा किया उसको माइनस करके ट्रेवल पे कितनी अमाउंट खर्च हुई है वो निकाल सकती हूँ, और वही चीज हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 35% निकालेंगे, 35% कैसे करेंगे, 30+5 करेंगे। अब 10% कितना होता है, 10580, ठीक है इसको करना है 3 से मल्टीप्लाई, और 10580 का आधा इसमें ऐड कर देना 5290, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी टोटल 35% की। और इस वैल्यू में से 10,960 माइनस करके कितना ट्रेवल पे खर्चा किया है ए ने वो निकल के आ जाएगा। अब एक पर्सन का खर्चा निकालने के लिए इतनी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि ये एस डी आई की डिमांड है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 8 3s are 24, 8 3 5s are 15, 16, 17, 1 and 3, 3 1 7 4 0 और 5 2 9 0 इसमें ऐड करना है। तो 0 9 4 13 बन जाता है, एक कैरी करेंगे 9 और 1 10, 5 और 1 6 और 1 7 और यहाँ 37,030। अब 37,030 में से 10,960 माइनस करने हैं, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 6 और यहाँ पे बनेगा 2, तो 26,070, ठीक है 26,070 खर्चा आ गया ट्रेवल पे ए के द्वारा, इस तरीके से निकाल लेंगे। अब बी का ऑलरेडी दिया हुआ है, मुझे निकालना है सी डी और ई का, क्योंकि एफ का भी गिवन है। अब सी का कैसे निकलेगा, 84,000 तो उसकी सैलरी है, 12,600 रुपये इंसेंटिव है, तो मंथली इनकम कितनी है, 84,000 + 12,600, सॉल्व करेंगे इसको 96,600, और इसका 12% वो ट्रेवल पे खर्च कर रहे हैं, तो 96,600 का 12% हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ, 96,600 का 12% लेना है, तो 12% लेने के लिए क्या करेंगे, पहले 10% लेंगे, फिर 1% को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 966 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 900 900 1800, 60 और 60 120, 6 और 6 12, सॉल्व करेंगे इसको तो 1932 आ गया, तो 1932 इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पे 92, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 11, 11,501 में इसकी वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबके खर्चे ट्रेवल पे, 11,592, ठीक है 15,280, और ए जो है इसका खर्चा आया है 26,070। फिर इसके बाद डी के लिए देखो, अब डी के लिए भी सेम वही चीज करनी पड़ेगी जो ए के लिए की थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ अमाउंट में दिया हुआ है कुछ परसेंटेज में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये पता है कि 40% सेव हो रहा है पैसा, 9% अकोमोडेशन पे जा रहा है, 49% गया, 51% बच गया, और 51% की वैल्यू मेरे को निकालनी है किसकी, 88,000 और 13,200। तो डी के लिए जो मंथली इनकम है वो कितनी है, डी की मंथली इनकम यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो 88,000 प्लस क्या अमाउंट है, इस डी आई को ना आप सिर्फ सुन लो पहले, ठीक है फिर ट्राई कर लेना, अभी मैं आपको साथ साथ करवा रही हूँ तो एक ग्रिप बन जाएगी। आप 13,200 इसमें ऐड करने हैं तो 13,200 ऐड कर लो, तो 200 यहाँ पे क्या होगा, 8 और 3 11 है, 9 और 1 10, तो 1,01,200 रुपये मंथली इनकम आ गई। और मुझे पता है कि 40% और 9% तो इसका अकोमोडेशन और सेविंग पे जा रहा है, तो बचा हुआ 51% है बाकी खर्चा, तो इसका 51% निकालना है। 51% क्या होता है, जितनी वैल्यू है उसका आधा। अब इसका आधा कितना होगा, 1,01,200 का, तो 50,600 रुपये, ठीक है प्लस 1% और लेना है 1,012, इसको हम सॉल्व करेंगे 51612, ये टोटल खर्चा आ गया। इसमें से मेरे को जो फूड पे खर्चा हो रहा है वो माइनस कर देना है, और जो शॉपिंग पे खर्चा हो रहा है वो माइनस कर देना है, तो 15,120 और 16,800 इसको ऐड कर लो, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बन रहा है 31,920, तो 51,612 में से 31,920 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे, 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है और 1,19,692, ये यहाँ पे टोटल खर्चा है जो हो रहा है 19,692।
अब ई का निकालेंगे, ई ने कितना किया है 5%, तो इसकी जो वैल्यू थी कितनी थी, 92,000 टोटल मंथली इनकम 80 + 12, तो 92,000 का 5%, 92,000 का 5% कितना होगा, 9,200, 10% है उसका आधा, 9,200 है तो यहाँ पे क्या होगा, 4 × 8 6 × 12 4,600, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कितना खर्चा आया है 4,600, और जो एफ है उसका खर्चा ऑलरेडी दिया हुआ है 8,400, तो ये सभी वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, इन वैल्यूज को ऐड करके मेरा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे ज्यादा है, बट प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी एबल टू डू दिस पर्टिकुलर डीआई इन 15 मिनट्स। यहाँ पे देखिए 19692 है, 26070 है, 15280 है, 11592, 4600, 8400। अब इसको ऐड कैसे करना है, मैं इसको माइनस ये हटा रही हूँ सारी कैलकुलेशन, ठीक है। आई होप कि आप ये चीज समझ जाएंगे और इसको पीपीटी में ऐड करके देने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे ये जो नंबर आए हैं हमारे पास इनको हमें अब ऐड करना है। तो ऐड करने का जो तरीका मैंने आपको बताया था वही इस्तेमाल करना। तो कैसे करेंगे इसको हम ऐड, यहाँ पे पहले जो 10-10 हजार की वैल्यूज है उनको ऐड कर लो, तो 10 हजार, 10 और 20 30 हजार, 30 और 10 40 हजार, 40 और 10 50 हजार, 50 हजार आ गया, ठीक है। फिर इसमें ऐड करेंगे हम जो हजार वाली टर्म्स है, 9,000, 9 और 6 15,000, 15 और 5 20,000, 20,000 के बाद यहाँ पे है एक 21,000, ठीक है, 21 और 4 25,000, 25 और 8 33,000, क्लियर। फिर इसके बाद 100 वाली टर्म्स को लीजिए, 600, 600 और 200 800, 800 और 500 1,300, 1,300 और 600 1,900, 1,900 और 400 2,300, 2,300। फिर टेंस वाली टर्म्स लेंगे 90 और 70, 160, 160 और 80, 240, 240 और 90 330, 330 है यहाँ पे, ठीक है 330 आ गया। अब वंस प्लेस पे है 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 4। अब इसको मेरे को ऐड कर लेना, ठीक है। ये ऐड करना बहुत इजी है मेरे लिए, यहाँ पे देखो 4 है यहाँ पे, फिर 3 है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे, 5 है और यहाँ पे 8 है, 85,634 ये मेरा आंसर आ रहा है। क्या मेरे पास ऑप्शन है 85,634? जी बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी डीआई जरूर है, बट हमने इसको समझने के साथ साथ मैंने आपको करवाया तो हमने इसको 3 से 4 मिनट में कर लिया है, तो जब आप खुद करोगे तो यू विल बी एबल टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन 2 to 3 मिनट्स, है ना, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन भी हमें करनी है। यहां तक अगर क्लियर है तो थम्स अप देंगे, कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क। यस गाइस, थम्स अप दोगे अगर समझ आ चुका है फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट स्पेंट बाय बी ऑन फूड एंड शॉपिंग टुगेदर एंड दैट ऑफ सी ऑन अकोमोडेशन। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो बी है ना उसने फूड पे और शॉपिंग पे जितना पैसा खर्च किया है उसको लो, और जो सी है उसने अकोमोडेशन पे कितना पैसा खर्च लिया है किया है उसको लो, दोनों का डिफरेंस करके बता दो, ठीक है। बी का फूड पे और शॉपिंग पे खर्चा इसमें से माइनस कर दो जो सी ने किया है अकोमोडेशन पे खर्चा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, बी का फूड और शॉपिंग पे खर्चा कितना हुआ है और सी का अकोमोडेशन पे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे आ जाइए, अब सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बी का फूड पे और शॉपिंग पे खर्चा चाहिए, फूड पे तो मेरे पास है 17,000 रुपीज खर्च किए इसने, ठीक है, बट क्या मेरे पास शॉपिंग का खर्चा है, नहीं है। बट मुझे ये पता है कि 40% तो उसने सेव कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ साफ साफ, तो बचा कितना 60%। टोटल इसकी इनकम कितनी है, टोटल इनकम हमने निकाली थी 96,000 और साथ ही साथ 14,400, ये इंसेंटिव के साथ मिलके इसका टोटल इनकम बन जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे बन रही है 1,10,400 रुपए, ये टोटल इनकम बन रही है इसकी। 1,10,400 रुपए का 60% कितना होगा, 10% निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है 60% निकालना है। तो यहाँ पे या तो डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर लो या 10% निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, मेरे पास यहाँ पे निकल के आई है वैल्यू 11040 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है,
तो मैं क्या करूंगी ना अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, पहले मैं 10,000 को 6 से करूंगी 60,000, फिर मैं 1,000 को 6 से करूंगी 6,000, फिर जीरो है तो रहने दो, फिर है 40, 40 को 6 से करूंगी 6 4 24 240, ये नंबर मेरे पास आ गया तो 66,240। ठीक है, कितना 60% की वैल्यू आई, 66,240। अब 66,240 ये पूरी टोटल वैल्यू है, बट मुझे निकालनी है सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग की वैल्यू, तो क्या करूंगी इनको माइनस कर दूंगी, और मुझे दो चीजों की वैल्यू लेनी है वैसे एक्चुअल में, फूड और शॉपिंग, तो फूड वाली वैल्यू भी यहाँ पे क्या कर देंगे, रहने देंगे, ट्रेवल और अकोमोडेशन को माइनस कर देंगे, तो ट्रेवल और अकोमोडेशन का खर्चा कितना है 15,280 और इसके साथ साथ 12,400, 15,280 और 12,400, तो ये जो वैल्यू है ये है 27,680। तो जो वैल्यू मेरे पास आई है 66,240, उसमें से 27,680 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 बचेगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 15 में से 7 माइनस करेंगे 8 बचेगा, और 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा, तो 38,560 ये आ रहा है पहले इनका टोटल, 38,560 है ना, ये वैल्यू निकल के आई है। अब सी ने अकोमोडेशन पे कितना खर्चा किया वो मेरे को निकालना है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सी का अकोमोडेशन का खर्चा देखो, बाकी सारी परसेंटेज दी हुई है, ये परसेंटेज नहीं दी हुई, टोटल कितनी इनकम है इसकी 84,000 और 12,600, 84,000 प्लस 12,600 ले लो, इसको सॉल्व करेंगे 600 6 96,600 है, 96,600 तो है। अब यहाँ पे परसेंटेज में सारा खर्चा दिया हुआ है, टोटल कितना होता है 100, 100 है, और यहाँ पे टोटल में 12 और 8 20, 20 और 12 32, और 40% सेविंग का 32 और 40 72, तो 72% को माइनस कर दूंगी, जो बचेगा वो अकोमोडेशन है। ठीक है, अब 72% माइनस करना है तो कितना बचेगा 100 में से 72 माइनस करके 28, तो अब मुझे ये पता है अकोमोडेशन पे 96,600 का 28% है जो यूज किया जा रहा है, स्पेंड किया जा रहा है, तो 28% निकालने के लिए हमने क्या सीखा हुआ है, 30 में से 2 को माइनस कर दो, 30% निकालने के लिए हमने सीखा हुआ है 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो चलिए सॉल्व करते हैं 96,600 का 28%, 96,600 का 28%, तो पहले तो 30% लेना है, उसमें से 2% माइनस करना है, 30% लूंगी 10% 9660 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, अब 3 से कैसे मल्टीप्लाई करूं, पहले 900 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, 0 तो है ही है हमारे पास, ठीक है, 966 को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, 900 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2700, 60 को 3 से करेंगे 180, 6 को 3 से करेंगे 18, तो 8 9 8 2 2 8 2 9 आ गया, और एक 0 था उस 0 को लगा देंगे, 28,980, 2% माइनस करना है, 1% है 966, 2% कितना होगा इसका डबल, तो 966 का डबल कितना है 1,800, 120 और 12, सॉल्व करो इसको 1932 आ जाएगा, तो 1932 को माइनस कर देंगे, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेगा, 18 में से 9 माइनस करोगे, ठीक है, 18 में से 9 माइनस, सॉरी 9 में से 9 ही चला जाएगा ना, कैरी तो लिया ही नहीं था, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 28 में से 1 जाएगा तो 27, तो 27,048 यहाँ पे आ गया। अब डिफरेंस निकालना था इन दोनों का, कर दो इसको डिफरेंशिएट, ठीक है, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएंगे तो 5 बचेगा, 8 में से 7 जाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 11,512, क्या हमारे पास ये नंबर है, जी बिल्कुल, तो 11,512 इज द वेरी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया सभी को, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कितनी अमाउंट सेव की गई है सभी के सभी फ्रेंड्स के द्वारा, तो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप करो, ठीक है, हमें मंथली इनकम पता है सबकी, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, मंथली इनकम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सबकी, ए बी सी डी और ई और एफ, ठीक है, ए की है 1,05,800, फिर 1,10,400, ठीक है, 96,600, डी की मंथली इनकम है 1,01,200, 20, ठीक है, और इसकी सॉरी 200 है और 92,000 है, ठीक है, ये 200 है और ये 92,000 है, और जो एफ है उसकी मंथली इनकम यहाँ पे है 87,400,
क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि हर एक पर्सन 40% सेव करता है, तो यहाँ पे मुझे बताओगे कि हमने एक टॉपिक सीखा हुआ है और उस टॉपिक में जब कॉमन आता है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं, तो वो कौन सी ट्रिक है? क्या हमने वो एवरेज में सीखी है या परसेंटेज में? इसका भी 40%, इसका भी 40%, इसका भी 40%, इसका भी और इसका भी, फिर सबको ऐड करना है। तो इट इज बेटर कि जो प्रपोर्शन कॉमन है उसको कॉमन ले लो। अलग अलग आइटम का 40% निकालना है, एक आइटम की अलग अलग परसेंटेज निकालनी होती है। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन है ना उसको कॉमन निकाल लेंगे। इसका भी 40% लेना था, इसका भी और इसका भी, सबका है ना। तो मैं क्या करूंगी, 40% लूंगी पर इन सबके टोटल का, टोटल कर लो इसको और फिर 40% लो। ये मैंने आपको सिखाया था एवरेज में, ठीक है। एवरेज में हमने ये चीज सीखी थी कि जब कॉमन नंबर होता है हमारे पास उसकी अलग अलग परसेंटेज लेनी होती है, तो उस कॉमन नंबर को बाहर निकाल लेते हैं, परसेंटेज को ऐड कर लेते हैं। अब परसेंटेज सेम है, नंबर अलग अलग है, बेस अलग अलग है, तो परसेंटेज को बाहर निकाल लो, बेस को ऐड कर लो, फिर आपके पास आंसर आएगा। चलिए अब सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या होगा। अब इसको भी ऐड करने का वही तरीका कि पहले 1 लाख वाली टर्म्स को लो, फिर 1,000 वाली को, फिर 100 वाली को, प्लेस वाइज आपको ऐड करना है। ओके, एक आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चेक करेंगे, बट पहले आई होप कि सभी बच्चे ट्राई करें इसको। तो ऐड करेंगे हम इसको, तो पहले 1 लाख है यहाँ पे, 1 लाख है, एक 2 लाख, 3 लाख, तो 3 लाख लिख लो। फिर इसके बाद 10,000 वाली प्लेस पे करेंगे, 10,000 है, 90,000, 1 लाख बन गया। फिर 90 है, 1,90, और फिर कितना है, 80, 1,90 और 80 हमें ऐड करना है, तो 2,70, ठीक है, 2.7 लाख, 3 लाख और 2.7 लाख। फिर इसके बाद 1,000 वाली प्लेस पे ऐड करेंगे, 5,000 है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, तो 21,000 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद 100 प्लेस पे 8 और 4 12, ठीक है, और 6 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, 2400। फिर इसके बाद 10th प्लेस पे और 1st प्लेस पे नहीं है कोई नंबर, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये क्या है, 400 है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 और 1 2 3 है, फिर यहाँ पे 21,000 है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 भी है हमारे पास, 2,70,000 का मतलब यहाँ पे 70,000 होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर 4 जीरोज हैं और यहाँ पे 5 जीरोज होंगे, 3 लाख में। तो यहाँ पे इसको मैं ऐड करूंगी, तो 2 और 1 3, यहाँ तक तो ठीक है। अब 2 और 7 9 बनेगा, यहाँ पे 9 आएगा, देन हमारे पास जो लैक्स में है वो 5 है, तो 5,93,400 टोटल आ रहा है, 5,93,400। अब मेरे को निकालना है इसका 40%, 5,93,400, 40% निकालने के लिए क्या कर सकती हूँ, दो तरीके हैं मेरे पास। या तो मैं ये कर सकती हूँ कि 50% निकाल के 10% माइनस कर दूँ, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा, या फिर 10% निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बात एक ही है। तो यहाँ पे अगर आप दोनों तरीके से जाओगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा, आपकी इच्छा है आपको कैसे करना है। तो मैं तो इसका 40% निकालने के लिए क्या करूंगी, 4 से मल्टीप्लाई करूंगी 10% निकाल के, तो 59,340, 10% हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16, 4 3 12 और 1 13, 4 9 36 एंड 1 37, 5 4 20 एंड 3 23, 2 3 7 3 6 0, 2 3 7 3 6 0, ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, द एनुअल इनकम ऑफ डी इज डैश लेस देन 8। अब देखो
तीन क्वेश्चन में मेहनत लगी, फोर्थ क्वेश्चन देखते ही होने वाला है। एनुअल इनकम डी की कितनी कम है ए से, तो टोटल इनकम हमारे पास है मंथली इनकम, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था सैलरी और इंसेंटिव्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेबल में आपको लिख के दे दिया, इसको ही तो ऐड करके लिखा है मंथली इनकम में, तो मंथली इनकम है। ए और डी की इनकम देखनी है, ए की इनकम कितनी कम है या डी की इनकम कितनी कम है, ए की इनकम से ये आपको बताना है। बताइए फटाफट। एनुअल इनकम है, इस चीज का खास ध्यान रखना, ये मंथली इनकम है। मंथली इनकम और एनुअल इनकम फर्क होता है 12 महीने का, तो मंथली इनकम का डिफरेंस लेके एक स्टेप और करना है बस आगे। एक लाख 5,800 और 101,200 डिफरेंस कितने का होगा, 4,600 का। बट मैम ये तो एक मंथ का है ना, एनुअल इनकम बोल रखा है, 12 से कर दो मल्टीप्लाई। अब 12 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4,600 को पहले 10 से करेंगे, 46,000, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,600 को, तो 2 से मल्टीप्लाई करना इज क्वाइट ईजी, 92,000, 9,200 ऐड करोगे यहाँ पे कितना आएगा, 5,520। आंसर है हमारे पास यस 5,520, ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। बिल्कुल जिनका आंसर 4,600 आ रहा है सही है वो, बट एक बार 12 से मल्टीप्लाई भी करना है, ये चीज का ध्यान रखना है बस हमें। क्लियर है, चार क्वेश्चन हमने कर लिए। किसी को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत कि कोई भी चीज समझ ना रही हो, साथ साथ पूछ लेना, और इसको आपको होमवर्क में भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये इस डीआई का। ये हम निकाल चुके हैं अगर आपको याद हो, फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रैवलिंग पे जो ए ने खर्चा किया है वो कितना प्रतिशत है जो सैलरी है एफ की उससे। सैलरी ध्यान रखना है वर्ड का, तो इसके लिए खर्चा हमें पता होना चाहिए ट्रैवलिंग पे कितना किया गया और सैलरी कितनी है। तो चलिए टेबल पे चलते हैं, यहाँ पे ही मैंने टेबल बना रखी है। यहाँ पे सैलरी हमने निकाली थी एफ की 76,000, इंसेंटिव है 11,400, मंथली इनकम इतनी है, और खर्चा है जो ए का वो कितना है ट्रेवल पे, 26,070 रुपये। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन लेंदी था, मैं आपको हर बार एक चीज बोलती हूँ कि अगर आपकी कैलकुलेशन पहले या दूसरे क्वेश्चन में ज्यादा करवाई जा रही है ना, तो इट मीन्स उसका बेनिफिट आपको आगे मिलने वाला है, और ये चीज हमने देखी। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजीली हो गया, पहले तीन क्वेश्चन में टाइम लगा, वही चीज है ना, पहले तीन क्वेश्चन में आपने लगा लिए 10 से 12 मिनट, आपको लगेगा कि यार टाइम ज्यादा लग रहा है, बट जैसे आप फोर्थ फिफ्थ पे आ रहे हो तो वो एक एक मिनट में हो रहे हैं बिल्कुल। तो हो गई 15 मिनट में डी आई, 10 नंबर आ रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। और एक और चीज बताऊं, इस पर्टिकुलर डी आई में बहुत सारे बच्चे, इवन 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डी आई में तुक्के लगाए हैं, तो हम अगर अच्छे से 15 मिनट लगा के 10 नंबर ले रहे हैं श्योर, तो क्या बुराई है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट होता है हमारे पेपर टू में, उसको अप्लाई करना चाहिए कि अब इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, टाइम, रिटर्न क्या है मार्क्स। अगर आपको टाइम लगा के मार्क्स मिल रहे हैं श्योरिटी से, तो इट इज गुड, ठीक है कि आप टाइम लगा रहे हो, अदरवाइज टाइम मत लगाओ। चलिए इसका आंसर बताइए, ज्ञान हो गया आज तो बहुत ज्यादा। आपके पास एक्सपेंडिचर है ट्रेवल पे ए के द्वारा जो किया गया है, और एफ की सैलरी है।
क्वेश्चन परसेंटेज में पूछ रहा है, ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा किया गया है, वो कितना प्रतिशत है सैलरी ऑफ एफ के। मैं बोल रही हूँ, वर्ड पे ध्यान रखना। अप्रोक्सीमेटली है, तो पूरा परसेंटेज को अच्छे से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर सकते हो। 26070 और यहाँ पे है 76,000, क्योंकि सैलरी लेनी थी। मंथली इनकम इंसेंटिव के साथ मिलके बनेगी, ये नहीं लेनी हमने, लेनी है सिर्फ और सिर्फ सैलरी। यही पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, तो पहले क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 100 गुना रहने दो उसको, एज इट इज रहने दो। इसी में कोशिश करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे कितना है, 2607 और यहाँ पे है 7600, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 2600 बना लो इसको, और इसको 7600 बना लो। ये दो जीरो से ये दो जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने न्यूमिरेटर को थोड़ा सा कम किया है, तो आंसर जो आएगा ना उससे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 2676, अब यहाँ पे 76 है, इसका 10% 7.6 होता है, मेरे को जाना है 26 तक, तो 7 3 21, ठीक है। तो मेरे को ये तो पता लग रहा है कि 30 से तो ऊपर ही आने वाला है, 30 तो होएगा नहीं। कितना ऊपर जाएंगे, अब यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे, तो कितना परसेंट जाएंगे। यहाँ पे देखो 7.6 को आधा अगर मैं करूँ तो 3.8 हो जाता है, ठीक है। तो 7.6 को 3 से अगर मैं गुना करूंगी, 7 3 21, 6 3 18, 1.8, तो यहाँ पे बनेगा 22.8, और मेरे को जाना है 26 तक, तो मैं इसका आधा और ऐड करके देख लूँ, 22.8 और 3.8 इसको ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 26.6। तो इसका मतलब बिल्कुल सही जा रही हूँ मैं, यहाँ पे 35% के करीब मेरा आंसर आएगा, बट 35% से थोड़ा सा कम, क्योंकि 26.6 तक पहुंच गई मैं 22.8 में, 3.8 ऐड करके, ये तो 30 है और ये 5 की वैल्यू है, इसको जब मैंने ऐड किया तो 35% भी, तो मैं 26.6 पे पहुंच रही हूँ, मेरे को पहुंचना है 26 तक, तो मतलब थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 34% अप्रोक्सीमेशन। ये हेल्प करता है आपको अप्रोक्सीमेशन, अदरवाइज पूरा सॉल्व करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।